हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैज़ मोटर ऑक्टेन। तो क्रेटा का कुछ जो पुरानी वाली 2023 मॉडल है उसके बारे में मैं आपसे कुछ आज बात करना चाहता हूँ। जो मुझे आज एक्सपीरियंस हो रहा है गाड़ी चलाते हुए वो ये है कि 2024 की जो क्रेटा है उसका जो बोनट है ना वो उठा हुआ है आगे से, और जैसे कि वो और बोल्ड लगती है और प्रॉपर SUV का लुक देती है। लेकिन इसका थोड़ा सा एरोडायनामिक्स बोल लें, थोड़ा सा यू स्लोपी टाइप का है बोनट। तो अंदर से अगर हम लोग फुल सीट हाइट एडजस्टेबल पूरा ऊपर तक कर देते हैं तो भी आपको ये फुल बोनट देखे नहीं दिखता है, ठीक है। ये स्लोपिंग है तो इसका थोड़ा मिसगाइडेंस चलाने में ये हो जाता है, हमें ये हाफ बोनट दिखता है और ऐसा लगता है कि बस वहीं तक बोनट ख़त्म है। लेकिन बोनट जब बाहर निकलते लगता बहुत बड़ा आगे बोनट का जो साइज़ है, यही उसका साइज। ये जो डिज़ाइन इसका बोनट का दिया हुआ है, बीच में उठा हुआ है, साइड से बैठा हुआ, तो वो दूसरी साइड का जो उस कोने का जो है पॉइंट व्यू वो भी नहीं बिल्कुल दबा देता। एक तो बीच का उठा हुआ है तो किनारे का ऐसे ही नहीं दिखता है, उसकी वजह से ऊपर साइज आइडिया भी नहीं बन पाता है। तो ये गाड़ी चलाने थोड़ा, लेकिन जो नई वाली है उसमें थोड़ा सुधार नया किया गया, उसका बोनट बिल्कुल स्टाइलिश स्क्वायरिश शेप में दिया गया, उठा दिया गया है और इसका जो बोनट का एजेस है कट दिए गए हैं, उसका डिज़ाइन बीच में रखा गया है, मतलब बीच में टाइगर नोज टाइप का ग्रिल, वो टाइगर नोज टाइप का उसमें बोनट में डिज़ाइन दिया गया। तो ऐसा डिज़ाइन उसमें नई वाली में है, वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। उसकी विजिबिलिटी भी मैंने बैठ के देखी थी तो काफ़ी अच्छा बोनट का व्यू आ रहा था, बिल्कुल प्रॉपर SUV, बिल्कुल सीधा साधा जिससे होता नहीं, बोनट फुल दिखता है उसका, तो वो एक अच्छी चीज़ है नए वाले में। बाकी इशू कोई नहीं है, हुंडई की गाड़ी आप चाहे पुरानी से पुरानी भी आप क्रेटा चला लेंगे या कोई भी गाड़ी। यहाँ तक कि जब यहाँ पे वैगनार अल्टो चल रही थी उस टाइम जब सेंट्रो ह्यूंडई ने लॉन्च करी थी तो उसमें भी आप देखते होंगे सेंट्रो कितनी बिकी थी, वो इसीलिए बिकी थी उसी प्राइस रेंज में इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ चीज़ें आ रही थी उस टाइम, और नए लुक नए फीचर्स के साथ गाड़ी आ रही थी नए, क्योंकि लोगों को नई चीज़ें पसंद आती है, बदलाव। और मारुति सुजुकी एक ही ट्रेंड था, वही प्लास्टिक क्वालिटी की नीची गाड़ी छोटे पहिए दे रहे थे। हुंडई ने आके थोड़ा इंजन भी अच्छा किया, परफॉर्मेंस अच्छा किया था हुंडई ने, उसके बाद गाड़ियां जो हुंडई बिकना शुरू हो गई प्रीमियम क्वालिटी के नाम से। आज भी हुंडई किया का कोई भी तोड़ नहीं है, यहाँ तक के हमें ऐसा लगता है कि महिंद्रा के पास भी ये जो प्लास्टिक की क्वालिटी लगाते हैं ये इसका भी क्वालिटी हमें लगता है किया और हुंडई से अच्छा किसी के पास नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो देखिए महिंद्रा XUV 4XO खड़ी है और लोग कहते हैं कि जो है बिकती नहीं है, बिकती है, कम बिकती है, महीने की 700-800 यूनिट ही बिक पाती है पूरे भारत में। और टाटा की अगर EV की बात करें, नेक्सॉन या पंच हो गई, नेक्सॉन अगर हो गई तो वो आपको ज़्यादा बिकती हुई मिल जाएगी, टोटल जैसे कि 12,000 यूनिट, मतलब पेट्रोल डीजल EV सब मिला के 12,000 से 15,000। अब वो नेक्सॉन का भी कुछ मामला ऐसा है कि नेक्सॉन जो नई वाली आई है ना वो लोगों को ज़्यादा हमें लगता है बोल्ड SUV टाइप की नहीं लगती है, इसलिए उसकी सेल डाउन हो गई है। प्लस उसमें CNG भी नहीं आ रही है अभी, क्योंकि बाकी जो उसके कॉम्पिटिटर हैं ब्रेज़ा हो गई, यहाँ तक कि ग्रैंड विटारा में भी CNG आ रहा है और उसके जो कॉम्पिटिटर है, और डीजल है ही नहीं, डीजल सॉरी है लेकिन उसका डिज़ाइन हमें लगता है लोगों को पसंद, पुरानी वाली जो थी उसको थोड़ा बोल्डिश थोड़ा सा हैवीनेस का लुक आता था उसमें, इसलिए। बाकी गाड़ी में नो डाउट हुंडई क्रेटा बहुत ही अच्छी है, कंफर्ट अच्छा है और इसका अगर आप ऑटोमेटिक चला लेंगे तो आपको और ही पसंद आने वाला है। यहाँ भाई साहब इतना लोग टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, छोटी गाड़ी मारुति डिज़ायर आप लोग को पता है, जैसा कि हमने भाई साहब निकाल दिए, बात हो गई एक से, आज ही कल में हमें लगता चली जाएगी, फाइनल नहीं किया, 3-4 लोग हैं जो ज़्यादा देंगे उसको दे देंगे और उसकी जगह गाड़ी लेनी है, थोड़ा रुक के लेते हैं देखते हैं, मतलब जब तक फाइनल करेंगे 2-4 महीने तो हो ही जाएंगे, कौन सी लें कौन सी ना लें। गाड़ियाँ देख ही रहे, XUV 4XO भी देखी, इलेक्ट्रिक में अगर हम जाएंगे तो वो हमको लखनऊ में ऑन रोड 17 लाख रुपए की पड़ रही है, ठीक है। और टॉप मॉडल जो आता है सनरूफ वाला चार्जर के साथ, और अगर हम फ्रॉन्क्स देखी हमने, टर्बो चाहिए हमें, पिकअप आपकी परफॉर्मेंस चाहिए, छोटी गाड़ी में परफॉर्मेंस चाहिए, वेन्यू डीजल या सोनेट डीजल, और या EV में जाएंगे तो
5 GB लेंगे 13-14 वाली, अगर 15 वाली लेंगे तो उससे अच्छे हम 2 लाख डाल के XUV400 लेंगे, ठीक है, ईवी में। और क्या है, फ्रॉक्स बची है, फ्रॉक्स लेंगे तो टर्बो इंजन लेंगे, वो महंगा पड़ रहा है इसलिए थोड़ा हिम्मत नहीं हो रही है। गाड़ियाँ देखी जा रही है, डिज़ायर की जगह लेनी है हमको छोटी गाड़ी सिटी के लिए, और क्योंकि इसका माइलेज आप देख सकते हैं अभी कितना कम, 8.5 आ रहा है, और आप देख रहे हैं कितना लाइट फुट में कार चला रहा हूँ सिटी के अंदर, भाई ऐसे ही चलती है, बिल्कुल हल्का एक्सीलेटर, और 40 से ऊपर तो गई नहीं अभी तक, तो ये इसीलिए नहीं समझ में आती भाई साहब क्रेटा एडेटा। तो गाड़ी नो डाउट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, स्टेयरिंग इसका बहुत लाइट है, बैठ दे कम्फर्ट जो आता है लगता है नींद आ जाएगी, इसका नेक रेस्ट वगैरह जो गाड़ी में दिए हुए हैं वो भी बहुत कम्फर्टेबल हैं, मतलब गाड़ी कम्फर्ट वाइज बहुत अच्छी है, ये सब क्वालिटी प्लास्टिक क्वालिटी ये सब बहुत अच्छी है, और इसके स्विचेस क्वालिटी, मतलब ये लगता है 10-12 साल भी गाड़ी रहेगी तो गाड़ी में कोई कमी नहीं लगेगी। मारुति वारुति में क्या होता है कुछ दिनों बाद ऐसा लगता है बहुत पुरानी गाड़ी है। तो अपना व्यू है मेरा, बाकी चैनल पे बने रहिए, अभी आपको नई गाड़ी जो आती है कौन सी लेंगे वो आपको बताएंगे, चैनल पे बने रहिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें सपोर्ट करें भाई साहब, थोड़ा आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम देख सकते हैं कुछ हमारे फ़ायदा हो जाएगा, और आपको लोग भी हम गाड़ी लेते रहते हैं तो जानकारी मिलती रहेगी आपको, ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया।